हिंदी हमारे हृदय की भाषा है, यह हमारी विरासत है, इसे संजोए रखना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। तो सुहावी, आप क्या क्या विचार हैं हिंदी भाषा को लेकर? कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, किराड़े जाना है, केवल एक ही नहीं, ने हिंदी दिवस मनाना है। हंसना सेहत भी बहुत अच्छा है। ये सिद्धांत पिताजी, मेरा नाम है पायला बीज। आज मैं आपको एक हास्य कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है सेहत का संभाल की। कविता का शीर्षक है घर का खाओ घर में खाओ, अति किरेजियम को मेरा घर का खाना ही है खाना। ये बात समझ में आई, नाना नानी का उताई ने भी यही बात सिखलाई। घर का खाओ घर में खाओ, एक दिन मैंने सोचा खा लूं बाहर जाके छोले भटूरे गोलगप्पे लस्सी में रसगुल्ले। पर जब मैंने जाकर देखा वहां लगी थी लंबी कतार। मैंने खाओ घर का खाओ, बर्गर पिज्जा गरम समोसा, भूख लगी तो पेट में ठूसा, स्वाद बढ़े तो जीत ललचाए, खाए बिना भी रहना चाहे। मोमोज पकौड़े सब कुछ खाते गए, घर जाके देखा तो पेट रहा था फूल, बाल थकाना अब लगने लगा एक भूल, पेट में गैस गैस का दर्द से रोना निकल रहा है। भाई देख कर बोला देखो गुब्बारा फूल रहा है। जंक फूड खाकर प्राइस हो गए बड़े बड़े सुरमा, क्या कभी खाया है भोजपुरी का प्रसिद्ध सुरमा? दिखा दी ना खाओ तो आंख दिखा दी, पायलट बचुआ और टोलाई की बिस्कुट दिया। घर का खाओ घर में खाओ, बाहर न जाओ बाहर न खाओ, खा लो सब्जी खा लो रोटी, पिज्जा खाओ जाओ भी घर का खाना। लाला जी तुम किस चक्की का खाते हो, इस महंगाई में भी तोंद फुलाए जाते हो, क्या रखा है इस तोंद फुलाने में? मन है बच्चों, सेहत नहीं खराब करो, गड़बड़ झाला झटपट भोजन बच करना बर्बाद करो। रखो ध्यान बच्चों अपने खान पान का, तुम रखो अच्छे से ध्यान, वरना बाद में पछताओगे, बात आज ही लो तुम मान। मोटू राम बने पतलू राम, मोटू राम वही कहते हम इसको, मोटू राम कहने में कोई दोष नहीं हमारा, खाता इतना कि बन ही गया मोटा। तो क्या तुम्हें भी जानना है मेरी सेहत का एक राज? घर का खाना बड़ा स्वाद मिला है उसमें मम्मी का, और के हाथ का सांभर इडली, मेरे प्यारे भाई और बहना पौष्टिक खाना खाते रहना, धन्यवाद। इस प्रकार हमारे हंसने और हंसाने का कार्यक्रम समाप्त होता है। इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।